वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 5 मां भणवाना छे हिंदी। हिंदी में आपणे चैप्टर नंबर 5 छे चिड़ियाघर की सेर। तो इस इकाई में चिड़ियाघर में कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। इस इकाई में हमें जानवरों के बारे में बताया गया है जो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बराबर। तो बच्चों देखो ध्यान से, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है सबको, बराबर। तो कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी, बराबर। उसने देखा शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। हमें नाम की जगह यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। तो शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तो शेर के पिंजरे के पास भीड़ थी और शेर की गरजा तो सब डर गए। अब गीता और उसके दादाजी के साथ चिड़ियाघर में गई थी। तो उसने सामने क्या देखा? सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवर को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखे काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर है, लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर है, कौन है? लंगूर काला होता है। वह दादाजी चिड़ियाघर में लिखा था कि जानवरों को खाना देना मना है। फिर उसने कहा, गीता ने देखो काले मुंह वाला बंदर। दादाजी ने कहा, ये बंदर नहीं, वो लंगूर है। काले मुंह वाला कौन रहता है? लंगूर, उसे लंगूर भी कहते हैं। वह जगह गेंडा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? उसे एक गेंडा दिखाई दिया। उसकी नाक पर बड़ा सींग था। साथ वाले बाड़े में एक लंबी गर्दन वाला कौन था? तो जिराफ था। धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को चिपते हुए खींचते हुए आगे लग गई। तो उसने क्या क्या देखा? शेर देखा, बंदर, लंगूर देखा, बराबर, बंदर, लंगूर, फिर हाँ गेंडा देखा, जिराफ देखा, फिर वहाँ कौन था आगे? वहाँ भालू दो पैर पे खड़ा था। वो तालाब, बराबर, भालू भी देखा। तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाती हुई कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चला जा रहा है। लेकिन वो क्या था बाढ़ बच्चों? दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है, बराबर। वह जब उसे डर लगता है वह अपनी गर्दन और हाथ फिर अपने खोल में छिपा लेता है, पूरा शरीर समेट लेता है, बराबर। तो उस खोल उसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आई। उसे बड़े तालाब में क्या दिखाई दिया? मगर तैर रहे थे। इस जैसे ही वह मगर ने मुंह खोला, गीता डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, यह देखो हरियल तोता, हरियल यानी तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी शुतुरमुर्ग, उसे क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग है उसे, सॉरी, सफ़ेद विदेशी कातुआ। गीता चक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे चिड़िया पिछले साल पिकनिक हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने कहा, गीता बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वो शुतुरमुर्ग, वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। तो ये विदेशी पक्षी का नाम पूछे तो कातुआ, और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। तो गीता ने इतने सारे देखे, बराबर, चिड़िया देखी, मगर देखा, हरियल तोता, कातुआ, मछलियाँ, मोर, शुतुरमुर्ग, गेंडा, जीरा, भालू, बंदर, शेर, सब अलग अलग मछलियाँ, बतख, सब उसने देखा। फिर आगे क्या देखा? देखो बच्चों, चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं, बराबर। तो सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने उसे
टिकाई लकड़ी टिकाई और गीता से गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वो चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बराबर चित्र के बदले चित्र नाम के बदले यहाँ पे चित्र दिया है। तो चिड़ियाघर में फिर उसने हाथी देखा, ऊँट की सवारी भी कर रखा, हाथी और ऊँट देखा। फिर उन्होंने आइसक्रीम खाई और दादाजी के साथ चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर निकली और बस पकड़ के फिर वो दादाजी गीता और दादाजी अपने घर जा रहे थे। शब्दार्थ, चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर कहते हैं। बराबर बच्चों, तो आगे हम देखेंगे। बाड़ा, घिरा हुआ स्थान, घिरा हुआ स्थान। खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग जो कड़क भाग होता है उसे खोल कहते हैं। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल यानी हरा, हरे रंग वाला। और अभ्यास करना, ऊंची आवाज में पढ़ना है। रक्षक, रक्षा, पक्षी। त्र वाले शब्द पत्र, नेत्र, पुत्र। घ्न वाले आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। स्र वाले श्रम, परिश्रम, विश्राम। अवे मक्खी, मक्खन, मच्छर, मगरमच्छ, चिट्ठी और गट्ठर। अब आएंगे आगे। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। कुछ अजब, कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चों की पलकों को एक मिनट में औसतन एक से दो बार झपकाते, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने का या हजम करने के करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक और कान दो ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। बराबर, नाक और कान का आकार अंग में जिनका आकार जीवन काल में बढ़ता रहता है, ऐसा यहाँ पे कहा है। और बच्चों में और हमारे पलकों में पलक झपकाने में इतना फर्क है। बराबर, छोटे बच्चों और कितना अंतर है तो बताया है ना हमें। आगे 12 घंटे लगते हैं। क्या हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो खाना हजम करने में। बराबर, यहाँ पे लिखा है खाना हजम करने में 12 घंटे का समय लगता है। कौन से दो अंग है जो पूरे जीवन का? तो नाक और कान। बराबर, और पहले में लिखना है, पहले में क्या अंतर है? तो यहाँ पे लिखा ही है, इसमें से लिखना रखना है कि छोटे बच्चों की पलकों को और वयस्कों की पलकों में पहला जवाब में ये लिखना है। बराबर, अब आगे। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहते हैं? तो उसे खरगोश की चाल कहते हैं। बराबर, चिड़ियाघर में चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए तो हमने पढ़ा। चिड़ियाघर में प्राणियों को कुछ खिलाना नहीं चाहिए। बराबर, उनको चिड़ाना भी नहीं चाहिए, उनकी ज़रा आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, चिड़ाना नहीं चाहिए और किसी को मारना भी नहीं चाहिए। बराबर, तो चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो हमको पता है गीता और उसके दादाजी आए थे। बराबर, तो बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो मूंगफली और केला खिला रहे थे। बराबर, तीसरा है लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो तीसरे में लिखना है काला होता है। तालाब में क्या था? तो तालाब में मछलियाँ और बतख थी। बराबर, पछी गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? तो उसकी खोल। बराबर, उसकी खोल
उसका रक्षक है। फिर क्या है, विदेश का पक्षी का नाम क्या है, विदेशी पक्षी का नाम है कातू। वाह, हमने क्या पढ़ा, कातू वाह, तो ये आपको लिखना है का तू आ, कातू आ। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, बराबर इस तरह से लिखना है। अब हमारे उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा करो। जैसे के पेड़ पे बंदर लटक रहा है, पेड़ पे बंदर या लटक रही है, तालाब में हाथी नहा रहा है, तालाब में क्या आएगा वो आपको अपने तरह से ढूंढ के लिखना है, बराबर। तो बच्चों, चलो बच्चों, आज हमने इतना किया है, ये आपको ढूंढ के लिखना है, अगली बार अगले पेज में फिर से कराऊंगी, बराबर। जितना आता हो उतना लिख लेना, और ये नीचे का पेज है वो भी आप चित्र को देखकर पूरा कर लेना, मैं अगली बार फिर से आपको करवा दूंगी। पेज नंबर है हमारा 31, हम आज 30 पेज तक पढ़ गए हैं, याद रखना। और अब आपके पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों के जवाब है छोटे छोटे, वो लिख लिख के आपको रखने आता, हमारे मैंने जो पढ़ाए वहाँ पे आए पाठ्यपुस्तक में लिख के पूरा करना है। नेक्स्ट पीरियड में हम इससे यही साध्य के साथ मिलेंगे।